हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप भी विंटर के प्लांट्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं और अपने पुराने गमलों की मिट्टी को यूज़ कर रहे हैं अपने प्लांट लगाने के लिए, तो किस तरह से आप यूज़ करें, वही आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमें चाहे विंटर के प्लांट्स लगाने हो या फिर कोई भी प्लांट लगाने हो, तो अगर हम पुराने गमलों की मिट्टी को यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है अगर हम किसी भी गमले को खाली करते हैं तो उसकी मिट्टी जो है इस तरह इतनी ज़्यादा सख्त होती है, इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है कि उनमें जो है हमारे जो प्लांट की जड़ें हैं वो अच्छी तरह से फैल नहीं पाती हैं। तो इस तरह से आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने जो है अपने सारे गमलों को खाली करके विंटर प्लांट्स लगाने के लिए जो तैयारी की है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ किस तरह से मैंने किया है। तो सारे गमलों को मैंने खाली करके जो है इस मिट्टी को अच्छी तरह से छान लिया है और छानने के बाद इसको अच्छी तरह से धूप दिखाई है और जो इसमें इस तरह के आप देख सकते हैं कितने सारे ये छोटे छोटे से रोड़ी से निकले हैं। तो ये हमारे जो प्लांट हैं उनकी जड़ों को फैलने में दिक्कत करते हैं, इसलिए अगर हम मिट्टी को इस तरह से बिल्कुल बनाएंगे भुरभुरी सी एकदम छनी हुई तो इनमें जो है उसकी जड़ें अच्छी तरह से फैलेंगे, क्योंकि जो विंटर के प्लांट्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, तो उनकी जड़ें जो हैं आसानी से इस मिट्टी में फैल पाएंगी। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से जो है छन्नी से छान लिया है। अगर आपके पास जो भी अवेलेबल हो उससे आप छान सकते हैं, मैंने इससे जो है अच्छी तरह से इस मिट्टी को छान लिया है। और छानने के बाद जो है इसमें हम लोग क्या क्या मिलाने वाले हैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। विंटर के प्लांट्स की जो रिपोर्टिंग करेंगे तो उसकी मिट्टी हमें बहुत ही अच्छी वेल्डन तैयार करनी है ताकि उनमें जो वाटरिंग है ज़्यादा रुके ना। तो इसके लिए हम लोग जो है रेत का इस्तेमाल करेंगे और अगर आप हैंगिंग बास्केट तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप कोकोपीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आपके प्लांटर को अगर ज़्यादा वेट नहीं देना चाहते हैं तब भी आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जो हैंगिंग बास्केट की तैयार करूँगी उसमें कोकोपीट मिलाने वाली हूँ, बाकी ये सब जो है अपने प्लांटर में लगाऊँगी। तो इस तरह से मैंने सारे खाली जो प्लांटर हैं वो खाली कर लिए हैं और मिट्टी भी रेडी कर ली है। इनमें मैं जो है गोबर खाद मिलाऊँगी और नीम खली, यही सब मिलाकर अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करूंगी। और जो भी हमारे विंटर के प्लांट्स होते हैं उनको ज़्यादा बड़े गमलों की ज़रूरत भी नहीं होती है, उनको छोटे गमले में ही आप लगाएं। जैसे पिटोनिया है या कोलियस है, इन सबको छोटे गमले में ही आप लगा सकते हैं, ज़्यादा बड़े गमलों की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं मेरे सारे जो प्लांटर हैं ये सारे 8 इंच के प्लांटर हैं, मैं जो है लगाती हूँ मैं हर साल कोलियस है या फिर पिटोनिया है या कोई भी प्लांट है। तो विंटर के प्लांट्स की जड़ें जो हैं बहुत डीपली नहीं जाती हैं तो उनको आप छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। तो यही आपके साथ मुझे शेयर करना था कि आप इसकी मिट्टी कैसे बनाएं, किस तरह से अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करें। आई होप कि मेरी वीडियो के द्वारा आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आप देख सकते हो कि मैंने अपने सारे ही प्लांट्स को रिपोर्ट कर लिया है और वीडियो देखने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को, लेकिन जो है इस काम करने में मुझे 2 दिन लग गए हैं। एक दिन मैंने सारी मिट्टी को रेडी किया, उसके बाद मैंने सारे प्लांट्स को रिपोर्ट कर दिया है फाइनली। और इनमें से जो मेरे प्लांट हैं वो आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये सारे मेरे पास 12 प्लांट जो हैं शालविया के हैं, जिनमें 5 या 6 कलर जो हैं मुझे शालविया प्लांट के मिले थे। तो 12 कलर ये शालविया प्लांट के हैं, मैंने सारे रिपोर्ट कर दिए हैं इनको। बहुत ही अच्छे विंटर के फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ये। और ये गुलदावरी के 2 प्लांट, इन सबको मैंने रिपोर्ट कर दिया है। पिटोनिया के प्लांट हैं और मैरीगोल्ड के प्लांट हैं। तो यही कुछ आपके साथ शेयर करना था। वीडियो को फुल वॉच करिएगा और कैसा लगा आप लोगों को बताइए कमेंट करके और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी गार्डनिंग।